हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, 14 महीने से एक भी शख्स से नहीं मिला लॉरेंस। ये क्या लिखा है, साबरमती जेल में ऐसे तन्हाई में काट रहा है दिन। वो तो खुद लॉरेंस ने बोला था अपने इंटरव्यू में, वो तो कह रहा है मैं तो भैया जेल के अंदर अपने कमरे में ही बंद रहता हूँ, ना मुझे किसी से मिलने देते हैं ना कुछ है, मैं तो सॉलिटरी रह रहा हूँ। पता नहीं कितने टाइम से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लोग पागल हो जाते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आप एक दिन अकेले बैठ के देख लो, नहीं बैठा जाएगा। अरे जब आपको पता चले कि आपको नहीं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आधा घंटा भी काटना मुश्किल हो जाता है। अनलेस वो इंसान भगवान का ध्यान करे तभी बच सकता है, होता है तभी तो वो वही करता होगा। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक तो ऑफिस में एसी इतना तेज होता है कि ठंड लगती है, और यहाँ पर और कुछ ज्यादा ही ठंड होती है, तो आज मजबूरी में कोट भी पहनना पड़ा। मौसम बदल रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि अब मौसम ठंड हो गई, आने वाला ठंड का महीना कमाल ठंड हो गई। हम तो प्रिटेंड करते ठंड हो गई। 2023 की बात है, अगस्त का महीना था। लॉरेंस बिश्नोई तब पंजाब के बठिंडा जेल में सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के सिलसिले में बंद था। उससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल की बात, जब सिद्धू मूसेवाला का केस दर्ज हुआ जून 2022, तो फिर पंजाब पुलिस पीछे पड़ी और उसके बाद लॉरेंस को लेकर चली गई, क्योंकि उस पूरे मर्डर केस में लॉरेंस के गैंग का नाम आ रहा था। तो पंजाब पुलिस को पूछताछ करनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी कोशिश की कि तिहाड़ से बाहर न निकले, क्योंकि तिहाड़ उसको बड़ा अपनापन जैसा लगता था। तिहाड़ में ऐसा लगता था जैसे अपने घर में, दिल्ली में ना, जैसे अपने घर के लोग रिश्तेदार है। अच्छा, हमें तो सुनकर डर लगता है, तिहाड़ पसंद है लॉरेंस को, लेकिन अब मजबूरी थी, क्राइम हो गया पंजाब में। तो बठिंडा जेल में कोर्ट की इजाजत से पंजाब पुलिस लॉरेंस को ले गई। 2023 की बात है, अगस्त का महीना, वो बठिंडा की जेल में पिछले साल। इधर अचानक दूसरी तरफ बठिंडा से बहुत दूर गुजरात में एक दूसरी कहानी चल रही थी। गुजरात में 14 सितंबर 2022, मैं अभी 23 की बात कर रहा हूँ, बठिंडा जेल, और उससे लगभग 8 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। 14 सितंबर 2022 को गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, एक कच्छ के इलाके में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह पर एक सस्पिशियस बोट को पकड़ती है, नाव। जब उस नाव की तलाशी ली जाती है तो उस नाव के अंदर से करीब 20 kg हीरोइन मिलती है, जिसकी कीमत, बल्कि 20 kg से भी ज्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, अराउंड 200 करोड़ रुपीज के ड्रग्स थे उस नाव में। अब जो नाव था, उस नाव का एक नाम था, और उसका नाम था, जो नाव पकड़ा गया उस बंदरगाह के करीब, अल्तयासा। अल्तयासा नाव के साथ कुछ लोग भी पकड़े गए। अब पुलिस ATS गुजरात की उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ इन्वेस्टिगेशन गुजरात ATS की जारी थी। नाव के जरिए एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया का सिंडिकेट और कैसे यहाँ गुजरात पहुंचा। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो धीरे धीरे पूछताछ में पता चला कि इसके तार जो है वो लॉरेंस फंसा दिया। मुझे याद दिला, मैं भूल जाती हूँ। दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती है। दिल्ली इसलिए क्योंकि उस वक्त कानूनी रूप से जो लॉरेंस बिश्नोई वो दिल्ली के तिहाड़ में ही बंद था, वो तो कुछ वक्त के लिए पंजाब गया था, पंजाब पुलिस उसको साथ ले गई थी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुजरात ATS अर्जी देती है और कहती है कि हमने एक ड्रग की बड़ी खेप, आई कैन अंडरस्टैंड, उसको बचाने के लिए चाल चली होगी, उसमें एक नाम लॉरेंस बिश्नोई, गुजरात में ही भी सेफ मामला एक ड्रग सिंडिकेट का इंडिया में, बता देना किसी को, उससे डिटेल में पूछताछ करनी होगी, तो इसलिए हमें आप उसको ट्रांजिट रिमांड पर दे दीजिए, हम गुजरात ले जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे ताकि इस केस का फैसला हो सके। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुजरात ATS की इस अर्जी को सुनवाई करने के बाद कहती है कि ठीक है, आप बड़ा केस है, आप ले जाइए लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से ही गुजरात की साबरमती भारी सुरक्षा के साथ, साबरमती विजय 24 अगस्त गांधी जी भी थे 2023 वही जेल है गुजरात ले जाती है। अमित शाह ने बचा रखा है, उसके बाद उस कोर्ट में पेशी के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दें और आप लोग पूछताछ करें, क्योंकि लॉरेंस अपनी जान को खतरा में बता रहा था। तब उसके बाद ATS
कि गिरफ्तारी में आने के बाद, गिरफ्त में आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को 24 अगस्त 2023 को, अच्छा अगस्त शाम को, अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई की गुजरात के किसी जेल में पहली दफा एंट्री थी और वो भी सीधे साबरमती जेल में। 1889 में शायद ये जेल बनी थी और 1922 में 1922 में पहली बार महात्मा गांधी, जब अंग्रेजों का हराज था, कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने इसी जेल में रखा था। तब इस जेल का नाम साबरमती नहीं था, बाद में साबरमती जेल रखा गया। तो 1922 में इस जेल में महात्मा गांधी भी रहे थे। अब उसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई 24 अगस्त 2023 को पहुंच गया और अभी तक है वहीं। 24 अगस्त 2023 को पहुंचा, आज हम 24 में है, अक्टूबर का महीना है, 23 तारीख है। पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई उसी साबरमती जेल में, ठीक है। इन 14 महीनों में वो एक बार भी साबरमती जेल से बाहर नहीं आया, न उस दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा। इन 14 महीनों में साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने कोई नहीं गया, यहाँ तक कि उसके अपने रिलेटिव दोस्त या बाकी लोग, बाकी को छोड़िए। लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग केसेस में जो पैरवी उसके वकील कर रहे हैं, उनमें से एक भी वकील को भी साबरमती जेल के अंदर जाकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने की इशारा कर रहे हैं, पूरा उसको प्रोटेक्शन दिया कि कोई भी कुछ ना हो सके। अभी बाहर नहीं आए, 14 महीने हो गए। निठारी केस आपको याद होगा, उसका भी एक आरोपी सुरेंद्र कोहली लगातार अब भी जेल में, 14-15 बार तो फांसी हो गई है, फांसी की सजा भी रुकी फिर टली, अब भी कुछ केस के फैसले आने पता नहीं कब बाहर आएगा। तो निठारी कांड के खूनी किस्से डिटेल में अगर आपको सुनना है तो कुको FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाएं और ये पूरी कहानी आप सुन सकते हैं, निठारी कांड के खूनी किस्से। अगर आपको भी क्राइम, चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है इतना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, आपको 999 फ्री कॉइन्स बिल्कुल फ्री, या आपके कम्यूट वर्कआउट यॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकलने विल बी एक्टिवेटेड। जो साबरमती जेल है उसके दो हिस्से हैं, एक नई जेल, एक पुरानी जेल, उसी पूरे कंपाउंड में। किसमें नई की पुरानी? जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको पुरानी जेल में रखा गया है, पुरानी जेल में भी और भी कैदी हैं। कुल मिलाकर इस जेल में, साबरमती जेल में 2600 प्रिजनर्स हैं, 2600 कैदी। पुरानी में कर नई में? पुरानी जेल में एक हिस्सा ऐसा है जो खास तौर पर ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो बड़े खूंखार या फिर जिनको थ्रेट, जेल के अंदर ही कुछ गैंगवार में मारे जा सकते हैं, तो ऐसे कैदियों के लिए एक अलग से बिल्कुल हाई सिक्योर तो वहाँ पे रखा है, जगह है, बिल्डिंग उसमें रखा जाता है। तो ऐसे 10 कमरे हैं इसी पुरानी जेल में साबरमती के अंदर, और उन 10 कमरों में 10 एक वक्त में ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को रखा जा सकता है जिनको बाकी कैदियों से आपको अलग रखना है। इत्तेफाक से उन 10 में से 9 खाली है, अरे वाह, एक ही भरा हुआ है और उसे एक अकेले कमरे में पिछले 14 महीनों से, 24 अगस्त 2023 से अब तक। कुछ जेल स्टाफ या गार्ड, कुछ कैनेडियंस भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी कैनेडियंस के स्पाई उनका बदला लेना है कैनेडियंस का, वन टू वन। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी से आज तक 14 महीनों में मुलाकात नहीं हुई लॉरेंस बिश्नोई की। वकीलों से मिलना हो या किसी और से मिलना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मिलाया जाता है। गुड, ऐसे होना चाहिए। अगर किसी स्टेट की अदालत में कोई मुकदमा, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जरूरी है, सेफ्टी भी है, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी उसको कराया जाता है। सेफ हमारे देश में इस वक्त कुल 1319 1319 जेल, छोटे जेल, बड़े जेल, 1319 बस इतने से ही है पूरे देश में, 19 जेल्स ऑल ओवर इंडिया में, कुछ भी नहीं है। अकेले गुजरात में 16 जेल है, 16, और इन 16 में से 4 सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल मतलब जो बड़ा होता है, और उनमें से एक साबरमती सेंट्रल जेल है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई है। अब अगर पूरे देश की बात करें जो 1319 जेलों में बंद है, वो कैदी बाहर भी आते हैं, बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बेल मिलती है या कोर्ट में पेशी होती है या दूसरे स्टेट में क्राइम किया हो वहां भी भेजा जाता है, पर पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के बाहर कभी कदम नहीं रखा, और अगले 10 महीने तक, अगस्त 2025 तक, चाहे इस देश की किसी भी पुलिस को कितनी भी उसकी तलाश हो, एक साल और वो उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ और कर देंगे। अब बाहर नहीं आएगा, ये एक कहानी है। दूसरी जो कहानी है, इस वक्त साबर अमित शाह का बंद लॉरेंस बिश्नोई पर कुल 79 मर्डर एक्सटॉर्शन वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि अमित शाह ने प्रोटेक्ट किया उसे, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे 79 केसेस हैं।
इन 79 केसेस में से 40 ऐसे केसेस हैं, मुकदमे हैं, जो देश के अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, इसके अलावा मुंबई, चारे के ऊपर 79 केसेस कर दिए, बिहार, इन सब जगहों पर है। रोकेशन बनेगा, झटके में खत्म होंगे, बन चुका है वो एजन। इसके अलावा 9 ऐसे मामले हैं जिनमें इन 79 में से के अलावा जिनमें रॉयल सोसाइटी बरी हो चुका है, कोई विटनेस आया नहीं, उसको बरी कर दिया गया। देखा, बाकी के जो मुकदमे हैं वो अभी अदालतों में चल रहे हैं, और इन 79 में से 10 ऐसे केस हैं, 10 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें अभी तक उस स्टेट की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार नहीं किया है। उनको गिरफ्तारी की ज़रूरत है ताकि वो आगे पूछताछ कर उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। 10 ऐसे मुकदमे हैं, तो ऑनलाइन पूछताछ कर लो की पुलिस को इतना क्या जरूरत है लॉरेंस बिश्नोई की ऑनलाइन, लेकिन वो अपने स्टेट या अपने स्टेट्स की अदालतों तक ऑनलाइन करो नहीं कर पाए। क्यों ऑनलाइन करो? सोचिए अपने देश की पुलिस, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, सभी उसकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन करो, उसके लिए सजाएं भी एक है, अदालत के काम करने का तरीका भी एक है। पॉइंट क्या है? ठीक है, सेफ्टी में है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो तरह के कानून चल रहे हैं, आज वही आपको समझाने के लिए कहानी सुनाऊंगा। कौन से दो कानून? सीआरपीसी, मैंने पहले भी कहानी सुनाई आपको, हमारे यहाँ दो चीजें होती है, एक आईपीसी एक सीआरपीसी, अब उसके नाम बदल दिए गए। तो भाई मैं तो पहले ही समझ गई थी, जैसे उन्होंने बोला कि गुजरात में वो भी ड्रग्स से रिलेटेड और उसमें कनेक्शन मिल रहा है लॉरेंस का, वो लॉरेंस जो है उसने साफ बताया है कि ड्रग्स के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं मेरा तो ये एम है कि अगर मैं छूट गया तो पंजाब को ड्रग मुक्त करूंगा उसको, तो और वो तो खास करता है, और उसके जो चचेरा भाई है उसकी जो हमने इंटरव्यू की है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में देखना, उसमें उसके भाई ने जो है उसने बताया कि भैया वो तो जब यहाँ पे था कॉलेज कॉलेज में पढ़ता था अपने फ्री टाइम में बच्चों को क्रिकेट की चीज़ें बैट बूट लेके खरीद के खास दिया हुआ था कि बच्चों के साथ वो खुद क्रिकेट खेलता था ताकि वो बच्चे जो हैं इन एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व हो और ड्रग्स ड्रुग्स से दूर रहें। तो वो बंदा थोड़े कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, तो मैं वही समझ गई थी कि उसको ऐसी फंसाया, फिर मुझे रियलाइज हो ये तो गुजरात में, मुझे लगा किसी दुश्मन ने किया है, फिर मुझे दिमाग में ऐसा वो हुआ, मैंने कहा ओ गुजरात में ये उन्होंने चाल चली होगी ताकि इसको गुजरात के सिक्योर जेल के अंदर लेके आए, क्योंकि और कहीं किया तो ये जो बाहर गुंडे बैठे हुए हैं ना अपने आप को बचाने के लिए पैसों की ताकत से इसके इसको नुकसान। देखिए हमारा थॉट तो ये, यहाँ पे थॉट तो ये है, अब किसी के साथ भैया शेयर ना करना दुश्मनों के साथ। अमित शाह जी जो है थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, मेरे को तो ये लगता है कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि, और मिस्टर डोवल के पास बहुत सारे एंगल्स होंगे कि होगा कि एक बंदा इंडिया का जो इंडिया की बेस्ट चाहता है, नेशनलिस्ट है, इंडिया के बारे में भगत सिंह की बात करता है, जो वेजिटेरियन है, जो अच्छा बिश्नोई समाज से आता है, वो बंदा जो है जब बाहर जो इंडिया के डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, इंडिया ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है उनको उड़ा रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? मिस्टर डोवल भी देख रहे हैं, मिस्टर शाह भी देख रहे हैं, सब लोग देख के कह रहे हैं कि ये बंदा जो है देश का काम कर रहा है और ये देश का काम करता रहेगा, उस फिर उस बंदे को प्रोटेक्शन आ रही है। हाँ, आनी भी चाहिए। अब हो सकता है काफ़ी समय बाद ऐसा हो जाए कि सब केसेस हट जाएँ, सब खत्म हो जाए, सब हो जाए, और ये तब होगा आई थिंक कि वो रॉ के लिए काम करें। अच्छे अच्छे बड़े बड़े मिशंस को वो सक्सेस देगा। बहुत पहले जब ये खालिस्तानियों ने शोर मचाना शुरू किया था तब मिस्टर डोवल के माइंड में आया होगा कि कौन इनको न्यूट्रलाइज कर सकता है वहां पे, और ये और तब दिखा होगा कि ये बंदा है दिखा होगा जो उसी रीजन से आता है कमाल और जो इनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और ये उसको पता होगा, उसने कहा होगा कि ठीक है मैं जेल में ठीक हूँ, सिक्योरिटी आप दे दो। हो भी सकता है। मजे की बात ये थी कि 10 आइसोलेटेड है और उसमें सिर्फ ये है, वेरी गुड, हो भी सकता है, गुड जॉब। फिर रॉ ने बोला कि यूएस कॉपरेशन हम खुद करेंगे और उसमें पकड़े गए वो लोग और वहां पे इसी के थ्रू करवाया था, वो सक्सेसफुल हो गया। अब उसी इसी के थ्रू कराए, उसके बाद हमने एक और वीडियो देखा उसमें कहा था कि जब उसने मूसेवाले का किया था तो इतने सारे कनेक्शन थे, इतने सारे कनेक्शन थे अनइमेजिनेबल, 60 तो गैंगस्टर से उन्होंने कंसल्टिंग की थी 10 महीने, ये हमारा प्लान है, उसके लिए 60 गैंगस्टरों का दिमाग लगाया उस प्लान में, सोचो, और किसी को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था,
और 10 महीने लगाए थे ये सारा प्लान करने में, तभी तो इतना सक्सेस मिला कि कनाडा उसके बाद जो है जान निकल गए, पर उनको सबूत ही नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो है हमारे इंटेलिजेंस को पता लगा होगा कि भैया ये लोग बैठे हैं देश का भला कर रहे हैं, इनको देश का भला करने दो, इनको यूज करो अपने देश के लिए। और ये भी तैयार है भैया, देशभक्त है बंदा, देशभक्त है, देश का भला करने के लिए देशभक्त है, वो कह रहा है मैं करने को तैयार हूँ। और उसे क्या चाहिए, वो यही तो करना चाहता था, उसको वो मिल गया। और कमाल की यही भैया भैया सारी जगह ना फैला देना ये बातें, ये अपने देश की सिक्योरिटी। और वो है, मैं पहले बड़ी हेजिटेट कर रही थी, यहाँ पर भी मेंशन हुआ था कि साबरमती जेल में सेम जेल जहाँ गांधी जी थे, सोचो। तो वो कुछ दिखा रहे हैं कि ये भी एक्टिविस्ट है जो इंडिया में जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको बाय बाय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।